YouTube एक्सपेरिमेंट। अब इस YouTube एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि ऐसे कुछ ट्यूब ली जिसका शेप क्या था, यू था। यू शेप की ये ट्यूब थी, इसीलिए इसको YouTube कहा गया। तो YouTube में हुआ क्या कि यहाँ पर आपकी एक मेम्ब्रेन जो है इंसर्ट कर दी गई। ये मेम्ब्रेन कौन सी थी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये आप ए ट्यूब मान लीजिए, दूसरे ट्यूब का नाम दे दिया हमने बी ट्यूब। तो आपको दिख रहा है कि जो ट्यूब ए है वहां पर आपका क्या सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट दिया गया। और वहीं पर अगर आप बी ट्यूब की बात करें तो यहां पर सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, मतलब यहां पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है प्लस सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ट्यूब ए है यहाँ पर तो सॉल्यूट एकदम ही एब्सेंट है, और पूरा का पूरा आपका सॉल्वेंट की क्वांटिटी, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए साइड पे ज्यादा है एंड बी साइड पे कम है। तो कुछ टाइम बाद जब देखा जाएगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो वाटर है इसका ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में? ए से बी की तरफ। तो ये था आपका YouTube एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ नहीं किया था, बस एक ट्यूब ली थी जो यू शेप की थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहां पे इंसर्ट किया, और उसके बाद कुछ आवर्स बाद जब मूवमेंट देखा तो हमें ऑस्मोसिस का फिनोमिना यहाँ मिला। और लेवल चेक करके पहले हमने मेजर कर लिया कि अच्छा इतने लेवल तक वाटर था। आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि जो सॉल्वेंट था, जो ये ट्यूब था, वहां से आपका पूरा सॉल्वेंट जो है उसका लेवल डिक्रीज होता गया। तो पता चला कि अच्छा सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट यू शेप ट्यूब जो है उसको फिल किया गया सॉल्यूशन से, और साथ ही साथ यहाँ पर अटैच की गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी जो एक आर्म थी जिसे हमने ट्यूब ए कहा है वहां पर सॉल्वेंट दिया गया सच एज वॉटर, और अनदर जो था उसमें सॉल्यूशन डाला गया जिसमें सॉल्यूट भी था सॉल्वेंट था, और सम टाइम बाद जो सॉल्वेंट था उसने मूव किया अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, और सॉल्यूट के केस में कहेंगे तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इनका मूवमेंट हुआ और इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा गया। अब अगेन वही यूट्यूब एक्सपेरिमेंट है तो कुछ नहीं है। आपका यहाँ पर जो ए ट्यूब है यानी ये बी ट्यूब है तो यहाँ पर लेस लेट सॉल्यूट है, जैसे पहले ही लिखा हुआ कि सॉल्यूट लेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि H2O कैसा होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या है कि मोर सॉल्यूट है, मतलब H2O कैसा होगा? कम होगा। तो अगेन ऑस्मोसिस होगी, या आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस तरीके से जैसे ही ऑस्मोसिस हुआ तो कुछ इस तरीके का इतना लेवल जब वाटर का इंक्रीज हुआ तो इसी को जो है हम ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए अब जब आप ऑस्मोसिस समझ गए तो ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कंफ्यूजन होता है कि ऑस्मोसिस प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के दौरान क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑस्मोसिस का फिनोमिना चल रहा है और आपको उसे रोकना है तो आप एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करेंगे, और ये प्रेशर जो है कि कितने प्रेशर पे आपका ऑस्मोसिस का फिनोमिना रुका है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये होता क्या है, जैसे ये इनिशियल स्टेज है, आपके पास दो ट्यूब है, ट्यूब ए एंड ट्यूब बी।
ट्यूब ए में आपने देखा कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो ज्यादा होगा और सॉल्वेंट जो है कम होगा। अगर आप ट्यूब बी की बात करें तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम है या नहीं है, एब्सेंट है। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा फ्लो बताइए कि वाटर का फ्लो या सॉल्वेंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप मुझे इजीली बता देंगे, आपको अब ऑस्मोसिस आप पढ़ चुके हैं, तो आप मुझे कहेंगे बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ जो है वो सॉल्वेंट का फ्लो होगा नेचुरली। तो बिल्कुल वैसी ही प्रोसीजर चल रही है। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट का फ्लो होगा कब तक, ये सॉल्वेंट का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो जाता, जब तक कि ये जो आपके सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो आपके H2O का कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाता आपके ट्यूब ए एंड ट्यूब बी में। मतलब जब आपके ट्यूब ए एंड ट्यूब बी में इक्वल हो जाएगा H2O का अमाउंट, तो आपको इक्विलिब्रियम फेज जो है वो अचीव हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी नेचुरल प्रोसेस चल रही है। अब आप क्या चाहते हैं कि नहीं, अगर लेवल इतना ही इंक्रीज हुआ और आप चाह रहे हैं कि अब मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है, तो आप करेंगे क्या कि एक तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन के थ्रू, और ये अप्लाई आपको किस ट्यूब में करना है, ट्यूब ए में, मतलब कि जहां पर आपका सोल्यूशन है या जहां पर आपका सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका सॉल्वेंट मूव कर रहा है, जिस ट्यूब में आपका सॉल्यूशन है, जहां सॉल्यूट है, वहां पर आप एक पिस्टन लगा देंगे और उस पर अप्लाई करेंगे एक प्रेशर। अब ये प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये प्रेशर रोकेगा कि वाटर का लेवल ना बढ़े। तो एक ऐसा प्रेशर, और जैसे ही वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि जो ये डिफ्यूजन हो रहा है आपके सॉल्वेंट का या जो आपके सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो यही कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन भी यही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो प्रिवेंट करता है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जो आपका सॉल्वेंट लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर, लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा था, उस सॉल्वेंट को रोकने के लिए, उस सॉल्वेंट के ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए जो आपने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है वही प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। मतलब एक ऐसा प्रेशर जहां पर आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाता है फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, वो प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर नहीं है, ये आप क्रिएट कराते हैं और इसके थ्रू आप ऑस्मोसिस को स्टॉप करते हैं, तो ये प्रेशर कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। बस इतना ही आपको जानना था, तो ये चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी, जहां पर आई जो है वो बेंट फॉर्म फैक्टर है। अगर आप एन की बात करें तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ सॉल्यूट, आर जो है आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है एंड टी जो है वो टेम्परेचर है। तो आपको कुछ नहीं, बस ये इतना ऑस्मोटिक प्रेशर का केवल फॉर्मूला याद रखिए। इससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मैं किसी दूसरे एग्जामिनेशन में देखूंगी, अगर बाई चांस आया होगा तो मैं सॉल्व करा लूंगी, अदरवाइज कुछ नहीं, आपसे सीधा ऐसे ही पूछेंगे, एन की वैल्यू पूछेंगे तो उसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है ना, तो ये आपको लेकिन फॉर्मूला याद रखना है। और बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्या होता है उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, कैसे काम करता है, कैसे हम क्रिएट कराते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपके लिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपको ऑस्मोसिस को रिवर्स कर देना है, तो अब आप रिवर्स करेंगे कैसे।
क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, इसको हम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे अभी हमने देखा कि एक हमने प्रेशर बाहर से अप्लाई किया था, जिसकी वजह से हमने क्या करा था, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस को रोका था। अब उसी प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, एक प्रेशर ऐसा था जिससे हमने ऑस्मोसिस को रोका था, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर अब हम उसी ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो होगा क्या कि ये जो सॉल्यूट है, जो अभी आपका ट्यूब ए है एंड ट्यूब बी है, तो नेचुरल फिनोमिना में ये सॉल्वेंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहे थे। ये क्या है? आपका नेचुरल ऑस्मोसिस है। अब आपने किया क्या, यहां से प्रेशर किया, जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई करा, और कितना प्रेशर, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो सबसे पहले ऑस्मोसिस रुक गई, फिर जैसे ही आपने प्रेशर ज्यादा किया तो हुआ क्या कि जो आपका सॉल्वेंट था वो आपका वापस हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगा। ये देखिए, जो वाटर का फ्लो है वो इसके लो कॉन्सेंट्रेशन से, सॉल्वेंट मतलब वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन से इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन तक जाने लगा। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकती हूँ कि वाटर का जो फ्लो है वो हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से आपके लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगे। तो ये दोनों की दोनों ही आपकी क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो वाटर का फ्लो जो है लो कॉन्सेंट्रेशन से जब हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये होता कैसे है, जब हम इस पे ज्यादा से ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी है, यहाँ भी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व अप्लाई प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो फेवर करता है द मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यही आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रेशर का खेल है। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा आप प्रेशर को क्रिएट करेंगे तो वॉटर का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आपकी नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसके लिए आपको क्या करना रहता है, अगर आप प्रोसेस की बात करें तो ये कौन सी है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यहां पर आपको एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है, तो ये कहलाता है आपका रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट आता है टोनिसिटी एंड ऑस्मोसिस। तो टोनिसिटी क्या है, आप बहुत सारे सॉल्यूशन पढ़ते हैं, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो टोनिसिटी क्या है? तो टोनिसिटी कुछ नहीं है, एक ऐसा टर्म है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बताता है इन टू सॉल्यूशन सेपरेट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है, अब आप इसको जरा समझिए, जैसे ये कोई बीकर है, अब आपको क्या दिख रहा है कि एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो मतलब इसमें सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है, इसके साथ में आपको बीच में एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप मान लीजिए कि ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो सेल के पास भी खुद का एक सॉल्यूशन होगा जो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अगर आप सेल की बात करें तो सेल के पास भी खुद का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो इसी बेसिस पे कहा गया है कि एक सॉल्यूशन जो सेल के बाहर है और एक सॉल्यूशन जो सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें भी कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और जो हमने बनाया हुआ है सॉल्यूशन, जो हमने बीकर में रखा हुआ है सॉल्यूशन, उसमें भी सॉल्यूट है। तो जो टोनिसिटी है वो उन्हीं सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है। अब वो कैसे डिफाइन करता है,
जैसे पहला सोल्यूशन क्या है आपका, आइसोटोनिक। आइसो मतलब क्या होता है, सेम सेम, मतलब आप सोल्यूट की अगर बात करें तो वो चाहे आप सेल के अंदर के सोल्यूट की बात करें या फिर आपके बीकर में जो सोल्यूशन है वहां की बात करें, तो दोनों सोल्यूट जो रहेंगे बोथ ऑफ सोल्यूट सेम होंगे। जब बोथ ऑफ सोल्यूट सेम होंगे तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट या वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, नो मूवमेंट ऑफ H2O। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपका सॉल्यूट है उनका कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह सेम है, तो सॉल्वेंट का भी इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन में सेम है। तो जब सेम है तो मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट है, अगर इक्विलिब्रियम की स्टेज है तो मूवमेंट करना बनता ही नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर देखिए दूसरा होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो ये जो टर्म लिखा जाता है ना हाइपर हाइपो आइसो, ये आपके सॉल्यूशन जो आपने बनाया हुआ है, जो आपके बीकर का सॉल्यूशन है उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, ना कि सेल के अंदर के मटेरियल के बेसिस पे। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, इसका मतलब ये है कि जो सेल के बाहर का सोल्यूशन है, जो आपके बीकर में सोल्यूशन है, वहां पर वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे ये देखिए यहाँ पर 2 मोलार सोल्यूशन है, सेल के अंदर का 1 मोलार सोल्यूशन है, तो होगा क्या, जो सेल के अंदर का सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ मूव करेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ही ये है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सॉल्यूशन जो आपके बीकर में है वो 2 मोलर है, तो यहाँ पर H2O का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और ये आपका 1 मोलर है तो यहाँ पर H2O जो है वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। इसीलिए जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, अगर आप उसमें सेल को रखते हैं तो सेल के अंदर जो भी सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन में चला जाता है, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो आपकी सेल के बाहर, जो आपकी बीकर में सॉल्यूशन है, वहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू सेल के इनर एनवायरमेंट में। नेक्स्ट होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि कैसा सॉल्यूशन है, जहां पर बीकर में जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, आपके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और ये जो सेल है सेल में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अगेन अगर सेल में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम होगा। तो जब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है और सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो अगेन आपके वाटर का मूवमेंट इनसाइड होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिसिटी। तो ये आपके टर्म है। आइसोटोनिक में दोनों सॉल्यूशन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के होंगे, हाइपरटोनिक में क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन है बीकर में उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू सेल। थर्ड में हाइपोटोनिक में मतलब जो आपके बीकर का सोल्यूशन है वहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आपका कम होगा कंपेयर टू सेल। तो इस तरीके से ये आपके सोल्यूशन बनते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो अभी आप हाइपोटोनिक में समझ गए कि यहाँ पर जो वॉटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके सोल्यूशन में ज्यादा होगा, तो इस तरीके से जो वॉटर है वो आपकी सेल के अंदर जाएगी और सेल आपकी कैसी हो जाती है, सॉइल हो जाती है। वहीं पर आइसोटोनिक में क्या होगा, नो मूवमेंट, ना आउटसाइड होगा ना इनसाइड होगा, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा। और वहीं पर अगर आप हाइपरटोनिक की बात करें तो आप देखेंगे कि सॉल्वेंट जो है उसका मूवमेंट बाहर की तरफ होगा।
तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। तो वही चीज यहां पर लिखी है। लेकिन जब भी आप किसी एनिमल या प्लांट सेल्स को डिफरेंट सॉल्यूशन में रखते हैं, चाहे हाइपरटोनिक हो, आइसोटोनिक हो या हाइपोटोनिक हो, तो सेल के शेप में फर्क पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट फर्क जो पड़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उनको कुछ डिफाइन किया गया है क्या। जैसे अगर आप एनिमल सेल की बात करें और उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, तो पूरा जो सेल का H2O है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, वो आपका पूरा सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा और सेल जो है वो आपकी श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आप RBCs का अच्छा एग्जांपल है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पर सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। आइसोटोनिक में क्या होगा, आपकी सेल एज इट इज रहेगी, नॉर्मल रहेगी, और हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाती है, लाइज्ड कर जाती है और सेल जो है वो फट जाती है। तो ये जो है ये डिफरेंट टर्म्स हैं कि एनिमल सेल के लिए अगर आप सॉल्यूशन में रखते हैं तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर जनरेट होंगे। वहीं पर अगर आप प्लांट सेल्स की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उसको रखने में सेल क्या होगी, सेल में इसमें वैक्यूल होता है बेसिकली, तो वैक्यूल से पूरा वाटर बाहर की तरफ जाता है और वो श्रिंक हो जाती है और उस स्ट्रक्चर को या उस प्रक्रिया, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है प्लाज्मोलाइज। और वहीं पर अगर आप आइसोटोनिक की बात करेंगे तो ये फैसेड होती है और ये आपकी टर्गिड हो जाती है, जो वैक्यूल है वो पूरे तरीके से सॉइल हो जाता है। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखने हैं कि एनिमल सेल्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वहीं पर आप प्लांट सेल्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। अब जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से भी वो क्लियर हो जाएगा। हाइपरटोनिक मतलब क्या होगा, इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, मतलब कि जो सेल के बाहर का सोल्यूशन था, जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, वहां पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर द सेल साइटोप्लाज्म, तो ऐसी टोनिक सोल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पर हाइपरटोनिक में क्या होता है, वॉटर जो है बिलीव द सेल और सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। इन केस ऑफ एनिमल इसे सेल श्रिंकेज कहा जाता है और इससे क्या होता है, सेल डेथ होता है। और वहीं पर अगर आप प्लांट सेल्स की बात करें तो जो सेंट्रल वैक्यूल है वहां से लॉस होता है वाटर का और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, जो कहलाती है आपकी विल्टिंग, मतलब की जो वैक्यूल है उसका श्रिंक हो जाना, उसका मुरझा जाना। फिर नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट रहेगा सेल का, वहां सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगी। अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वो ऑस्मोसिस है, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल जो है वो सॉइल हो जाती है। एनिमल सेल में इसे सेल सॉइलिंग कहा जाता है और पोटेंशियल वर्स्टिंग यहाँ हो जाती है, सेल फट जाती है। वहीं पर अगर आप प्लांट सेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो फुल्ली वाटर से फिल हो जाता है, क्रिएट करता है टर्गोर प्रेशर, और ये जो है प्रेशर मेंटेन करता है सेल की रिजिडिटी को, और साथ ही साथ अगर इस टाइप की सेल है तो उसे टर्गिड सेल्स कहा जाता है। तो ये आपके हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट आती है आइसोटोनिक। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल सेम रहेगा और यहाँ पर वॉटर ना ही आपका एंटर होता है ना ही वॉटर लीव करता है फ्रॉम द सेल। तो अगर आप नेट मूवमेंट की बात करें तो यहाँ नो नेट मूवमेंट ऑफ द वॉटर इन और आउट ऑफ द सेल्स। यहाँ पर सेल वॉल्यूम जो है वो रिमेन आपका स्टेबल रहेगा। एनिमल सेल में ये आपको नॉर्मल सेल्स कहा जाता है, वहीं पर अगर आप प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स विल बी प्लसिव। तो ये आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टोनिक सोल्यूशन, तो वो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक केस मैंने मेंशन करा है, ठीक है, जरा इस केस को ध्यान से समझो।
क्योंकि वो तो हमारी डायरेक्ट चीज होती है, आपने कई बार वो चीजें पढ़ी होगी, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, तो वो काइंड ऑफ आपका रिविजन था या आपको कहीं कंफ्यूजन था तो वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल केस के फॉर्म में। अब वो एक्सपेरिमेंटल केस कैसे हो सकता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा एक ट्यूब और उसमें बता दिया जाएगा कि ट्यूब एक, जैसे ये ट्यूब जो है दैट इज साइड ए और ये है साइड बी। साइड ए जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है 2 मोलर सुक्रोज, और साइड बी की बात करें तो प्रेजेंट है आपका 6 मोलर सुक्रोज। ठीक, एक सोल्यूशन है 2 मोलर सुक्रोज का बनाया गया है, दूसरा सोल्यूशन है जहां पर 6 मोलर सुक्रोज का बनाया गया है। ये बिफोर ऑस्मोसिस है, हमने कुछ नहीं किया, एक ट्यूब लिया है और एक एक साइड सोल्यूशन को फिल कर दिया है। अब 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इनिशियल टोनिसिटी बताइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि कौन सा सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, कौन सा सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो सोल्यूशन ए है वो आपका हाइपोटोनिक है। अब हाइपोटोनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2 मोलर सुक्रोज है, यहाँ पर आप ये मान के चलिए 2 मोल सुक्रोज के डिजोल्व किए गए हैं, वहीं पर यहाँ पर 6 मोल डिजोल्व करा गया है सुक्रोज, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ सोल्यूट ज्यादा है यहाँ सोल्यूट कम है, तो हमने बता दिया कि जो सोल्यूशन ए है वो हाइपोटोनिक होगा, जो सोल्यूशन बी है वो होगा आपका हाइपरटोनिक। अब दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे मूवमेंट और बता दीजिए कि जो वॉटर है जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट कैसा है, तो हमने अभी पढ़ा कि ऑस्मोसिस में वॉटर का मूवमेंट कैसे होता है, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, या मैं ये भी कह सकती हूं कि लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, दोनों चीजें कह सकती हूं। तो आप तुरंत ही मुझे बता देंगे क्योंकि जो वॉटर का फ्लो है वो ट्यूब ए से लेके ट्यूब बी की साइड में होगा, तो हां जी बिल्कुल लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होना है, तो ए टू बी होगा एंड एट द एंड ऑफ द लेवल ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये देखिए ये इनिशियल था, जब हमने इसको 1 या 2 दिन के लिए या 1 to 2 nights के लिए इसको छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि ऑस्मोसिस होगा और होगा क्या कि ट्यूब ए से बी की तरफ आपको सॉल्वेंट का लेवल राइज मिलेगा और आप बताएंगे कि अच्छा जो हमारा ट्यूब ए था वहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम था, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इसीलिए सॉल्वेंट जो है वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया, और ये रिएक्शन अगर यहां तक हुई है तो कुछ इस तरीके से लेवल राइज हुआ है, तो आप बताएंगे उस बेसिस पे कि अच्छा इतना सॉल्वेंट जो है वो मूव करा है, और जैसे ही सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाता है इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम की फेज जो है वो अचीव हो गई है। अब चाहे आप ट्यूब ए की बात करें ट्यूब बी की बात करें तो दोनों ही ट्यूब में जो वॉटर है उनका सिमिलर अमाउंट है, उसका सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है। ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो उसी से रिलेटेड आपका कुछ इस तरीके का थोड़ा ये एडवांस है। एडवांस कैसा है जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्यूब है ए एंड बी, अभी हमने केवल एक ही सॉल्यूट की बात करी लेकिन यहाँ पर जो है 2 सॉल्यूट है, एक तो 5 मोलर ग्लूकोज है ट्यूब ए में और 4 मोलर ग्लूकोज है आपके कौन से ट्यूब बी में, NaCl भी यहाँ पर आपने रखा है, NaCl जो है वो 10 मोलर NaCl आपके ट्यूब ए में है एंड 4 मोलर NaCl है आपके ट्यूब बी में। तो ये इनिशियल स्टेज है, इस तरीके का मैंने आपको ट्यूब दिया, मैंने आपको 4 सोल्यूशन दे दिए और सीधा पूरा हमने इसमें क्या कर दिया, सोल्यूशन फिल कर दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे पहले आप मुझे इनिशियल टोनिसिटी बताइए,
इनिशियल टोटल टोनिसिटी। तो आपका काम क्या होगा कि टोटल करना। तो हम क्या करेंगे, ट्यूब ए को सबसे पहले टोटल करेंगे। NaCl का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 10 प्लस 5 मोलर आपका ग्लूकोज है, तो इज इक्वल टू टोटल अगर आप सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 15 हो जाएगा। वहीं पर अगर आप ट्यूब की बात करें तो 4 आपका NaCl का है प्लस 4 आपका ग्लूकोज का है, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अब आपको टोटल टोनिसिटी पता है, ट्यूब ए में 15 है, ट्यूब बी में 8 है, तो आप बता देंगे मुझे कि जहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है उसे हम डिनोट करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बेसिस में। तो बिल्कुल वैसा ही है, ए आपका हाइपरटोनिक है एंड बी जो है वो है आपका हाइपोटोनिक। अब दूसरा मैं आपसे कहूं, जरा मुझे मूवमेंट बताइए वाटर का कहां से कहां होगा, तो भी आप मुझे ये इजीली बता देंगे जो मूवमेंट है वो बी टू ए होगा, मतलब कि लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। और लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ट्यूब का लेवल सबसे ज्यादा हाई होगा, तो बी का हाई होगा। अब मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लूं कि NaCl का मूवमेंट बताइए, तो NaCl का मूवमेंट भी आपका क्योंकि ऑस्मोसिस है तो हाई से लो ही होगा, तो यहाँ पर भी हाई से लो होगा। तो NaCl हाई किस में है, ट्यूब ए में है, और लो किस में है, ट्यूब बी में है। तो आप बता देंगे ए से बी में जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो तीन क्वेश्चन, अगर आपके पास दो सॉल्यूट दिए हुए हैं तो इस तरीके के तीन क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। इनिशियल टोनिसिटी क्या हो सकती है, कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा और आपके NaCl का मूवमेंट कैसे होगा। अगर मैं आपसे पूछती कि जरा बताइए ग्लूकोज का मूवमेंट कैसे होगा, तो ग्लूकोज के मूवमेंट के लिए भी आप मुझे बताते कि ए से बी की तरफ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए और मुझे फटाफट बताइए कि कौन सा ट्यूब, ट्यूब साइड ए है एंड साइड बी है, इनमें से कौन सा सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, कौन सा सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक होगा, और मूवमेंट आप मुझे बताइए NaCl का किस डायरेक्शन में होगा, H2O का किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी इसमें, लेकिन अभी आप इतना सॉल्व करिए और इसको प्लीज थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। मतलब H2O का और डायरेक्शन बताइए A2 गैस। सबसे पहले मैं वाटर के मूवमेंट के बारे में पूछ रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन है NaCl के मूवमेंट के बारे में, और साथ ही साथ बताइए चलिए ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जो आपने टोटल टोनिसिटी निकाली मैंने पहले ही लिख दिया था, तो टोटल टोनिसिटी में आपको पता चल गया कि जो आपका सॉल्यूशन ए है वो क्या है, हाइपोटोनिक है। वहीं पर आपने टोनिसिटी के बेसिस पे बता दिया कि जो साइड बी है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जहां पर यहाँ पर H2O ज्यादा होगा, यहाँ पर H2O कैसा होगा, कम होगा। तो मूवमेंट की अगर आप बात करें H2O के मूवमेंट की, तो वो A से B होगा। NaCl का मूवमेंट भी आपका A से B होगा, और जो ग्लूकोज है वहां पर, यहाँ पे इसका मूवमेंट नहीं होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि जरा बताइए
कि कौन से सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ होगा। अगर जैसे ग्लूकोज का नहीं दिया है तो आपको नहीं कैलकुलेट करना है, आपको बस दोनों बताने थे। अब इसके बाद हमने क्या किया कि ये तो हमारा इनिशियल स्टेज था, अब जब पूरा ऑस्मोसिस हमारा हुआ तो कुछ इस तरीके का जो है हमें डायग्राम मिला, साइड ए एंड साइड बी वैसे का वैसा है। और साथ ही साथ आफ्टर ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम की स्टेट है, और इक्विलिब्रियम की स्टेट किसके कॉन्टेक्स्ट में है, केवल केवल H2O के कॉन्टेक्स्ट में। अब हमने क्या किया कि हमने देख लिया भाई कि NaCl भी दोनों साइड में क्या हुआ, इक्वल हुआ। इनिशियली यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था, बाद में कम से यहाँ पे ज्यादा से यहाँ पे कम हुआ, मतलब स्टार्टिंग में 0.5 था, इक्वल हुआ तो 0.4 पे पहुंचा, और यहाँ पर भी 0.4 हो गया, मतलब NaCl दोनों ट्यूब में 0.4 है, 0.4 है। ग्लूकोज का तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं, तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद भी अगर आप टोटल टोनिसिटी निकालेंगे, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आफ्टर ऑस्मोसिस या आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेज जरा बताइए कि कौन से ट्यूब का सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, कौन से ट्यूब का सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा, तो वो भी आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आफ्टर ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम की स्टेज में कौन सी साइड में, साइड ए में कैसा सोल्यूशन होगा, साइड बी में कैसा सोल्यूशन होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा NaCl इक्वल हो गया, 0.4 लिख दिया, 0.4 लिख दिया, ग्लूकोज का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये 0.4 एंड 0.8 एज इट इज रहेगा। जब आप टोटल टोनिसिटी निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, 0.85 जो है वो साइड ए में होगा एंड 1.25 जो है वो आपकी साइड बी में रहेगा। तो आफ्टर ऑस्मोसिस आपका जो सोल्यूशन ए है वो आपका हाइपोटोनिक होगा एंड सोल्यूशन जो बी है वो आपका हाइपरटोनिक होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। इनिशियली तो पूछे ही जाते हैं कि जरा पूरा कैलकुलेट बताइए, लेकिन आफ्टर भी आपसे पूछा जा सकता है कि आफ्टर जो है कैसे आपका सिनेरियो रहेगा और कौन सा सोल्यूशन आपका हाइपो और हाइपरटोनिक है। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन CSIR का नहीं है, ये क्वेश्चन गेट का है। मैंने यहाँ इसीलिए इंक्लूड करा है कि अगर CSIR में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपसे पूछी जाए तो आप कम से कम फेमिलियर रहे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जो आपने सॉल्व किया है, जिसका आंसर आपने बताया है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, सजा धजा आपके सामने। इसमें क्या पूछते हैं कि एक सोल्यूशन है एक यूट्यूब में, जिसको सेपरेट किया गया है एक आपकी सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव टर्म यहाँ पर एकदम गलत लिखा है, यहाँ होना चाहिए सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको सेपरेट किया गया है। अब कहा गया है कि जो मेम्ब्रेन परमिएबल है किस किस के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, लेकिन ग्लूकोज के लिए नहीं है। तो हमें ग्लूकोज का कुछ नहीं करना है, हमें केवल और केवल NaCl को ध्यान में रखना है। फिर हमें बताना है कि जो साइड ए है वहां पर एक सोल्यूशन है जो आपके 0.4 मोलार ग्लूकोज एंड 0.5 मोलार सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट हो, साइड बी में जो सोल्यूशन है उसमें 0.8 मोलर ग्लूकोज है एंड 0.4 मोलर आपका सोडियम क्लोराइड है, तो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ द बोथ साइड क्या होगा। तो अब क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो आपका साइड ए है वो हाइपरटोनिक होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, ये ड्रॉ करा हुआ आपके पेपर में, फटाफट अपन को क्या कर लेना है, इसको काउंट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 1.2। तो इतने से हमें पता चल गया कि ये जो हमारा सोल्यूशन ये है वो कैसे होगा, हाइपोटोनिक होगा, ये कितना होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो वो ही चीज कर लेनी है, देख लीजिए फटाफट कहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन है, ये जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ही बस कह रहा है कि जो सोल्यूशन ए है वो हाइपोटोनिक होगा टू साइड बी, मतलब जो सोल्यूशन ए है वो हाइपोटोनिक होगा
ए क्या कह रहा है, हाइपरटोनिक होगा, ए कह रहा है आइसोटोनिक होगा, डी कह रहा है आपका हाइपरटोनिक होगा। तो हमें पहले ही पता चल गया कि हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा तो हमने वैसे भी ऑप्शन बी जो है उसको चूज कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी में बना हुआ है जो क्या पूछ रहा है कि जो साइड ए है आफ्टर 3 डेज जैसे ही ऑस्मोसिस हुआ तो साइड ए जो है उसमें आपको क्या मिलेगा। तो हमें पता है कि जैसे ही इससे हमें पता चला कि ये सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है तो मतलब यहाँ H2O कैसा होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर H2O कैसा होगा, कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट इस तरफ होगा, तो NaCl का मूवमेंट्स भी उसकी आपकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, H2O का भी वैसे ही होगा हाई टू लो। तो मतलब जो ए ट्यूब है वहां पर आपका क्या होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl भी, एंड डिक्रीज होना चाहिए आपके वाटर के लेवल को भी। दूसरे में ये भी कह सकते हैं कि बी ट्यूब में NaCl और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो एकदम एक्यूरेट हमें दिया हुआ है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि फर्स्ट ऑप्शन का बी सही होगा एंड सेकंड ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूरे डिजाइन करके आते हैं और आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इनमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काउंट करना है और मूवमेंट देख लेना है। तो ये ऐसे सॉल्व, इसीलिए मैंने इसका पहले केस बताया। अब कोई स्टूडेंट है उसने अभी ये क्वेश्चन कहा था कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हुआ, ये बात एकदम सही है। तो अगर हम प्रिंसिपल पे जाएं, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट एक तो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, लेकिन ये है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। हो सकता है अगले क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बताइए, तो हमें तो ट्रांसपोर्ट बताना है। जो डिजाइंड क्वेश्चन होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं, वो आपके थ्योरेटिकली नॉलेज को कई बार अवॉइड भी करते हैं या आपके कंसेप्ट को अवॉइड करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें उन्होंने पहले ही लिखा है कि परमिएबल है केवल सोडियम क्लोराइड को बट नॉट टू ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के लिए परमिएबल नहीं है मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं। आप लोग थोड़ा इस चीज को थोड़ा सोचा करिए ना, ये उल्टे पुलटे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना तो कई बार मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। अगर ये लिखी नहीं होती लाइन और आप ये बात पूछते तो वो उसका तुक बनता है। इसका मतलब ये है कि ना आप क्वेश्चन सुन रहे हैं ध्यान से और कैसे ये सॉल्व हुआ है मुझे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जबकि मैं इतना इन सारे एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने में 2-2 घंटे लगते हैं और उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज उसमें लिखा हुआ है कि भाई ग्लूकोज नहीं ट्रांसपोर्ट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं भी लिखा होता वो बाई चांस थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता तो अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि ग्लूकोज जो है वो आपका सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को शो करता है, वो कैरियर या फिर आपके चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, वो आपकी प्लेन मेम्ब्रेन से नहीं ट्रांसपोर्ट होगा। तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखो, ठंड के साथ पूरा दिमाग भी जम गया है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा उसको भी आप सॉल्व करिए, पहले केस बता देती हूँ। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें भी आपको वो ही बताना है कि जो ट्यूब ए है उसमें टोनिसिटी का लेवल क्या होगा, बी में आपका सोल्यूशन कैसे होगा और मूवमेंट जो है वो कैसे होगा। अब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि NaCl का भी आप मूवमेंट्स करा दीजिए और ग्लूकोज को भी मूव करा दीजिए, ठीक है, फिर बताइएगा जरा कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें जैसे काउंट पहले ही था, तो आपका 15 मोलर है, 8 मोलर है, तो जो आपका 15 मोलर है वो आपका कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, तो बाकी का जो आपका साइड बी रहेगा वहां पर सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक होगा, तो हाइपरटोनिक हो मतलब यहाँ लेस H2O होगा, और जो आपकी साइड बी है वहां पे मोर H2O होगा। तो अगर हम H2O के मूवमेंट की बात करें तो आप बिल्कुल बता देंगे कि बी से ए की तरफ H2O का मूवमेंट होगा। अब NaCl के मूवमेंट की बात करूं तो देख लेते हैं, NaCl साइड ए पे 10 मोलर है और यहाँ पर साइड बी में आपका 4 मोलर है, तो अगेन आई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो NaCl में क्या होगा कि आपका ए टू बी होगा। और वहीं पर अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई ग्लूकोज का मूवमेंट नहीं होना है, इसीलिए हम वहां पे चूज करते हैं नो चेंज। और अगर लिखा होता कि ग्लूकोज का भी आप मूवमेंट करा दीजिए तो हम कहते 5 to 4 मतलब ट्यूब ए से ट्यूब बी की तरफ उसका मूवमेंट होता। एंड अगेन अगर मैं आपसे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं आफ्टर ऑस्मोसिस, तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा कि 7 and 7 NaCl का इक्वल हो जाएगा, ग्लूकोज में कोई मूवमेंट नहीं रहा तो एज इट इज रहेगा आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह तरह, और फिर वैसे ही आपका टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 12 मोलार बनेगा, ये 11 मोलार बनेगा, तो आपका जो साइड ए है वो आपका हाइपरटोनिक रहेगा और जो आपका साइड बी है वो कैसा रहेगा, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, जरा इसको देखो फटाफट। ठीक है, तो ये भी आपका एकदम बेसिक सा था, इसमें बस ये है कि दोनों ही ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है तो क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे, इक्वल होगा आपका H2O, जब इक्वल होगा तो H2O का तो भाई कोई मूवमेंट ही यहाँ पर नहीं होगा। और अगर आप फाइनल की बात करें तो H2O में क्या होगा कि नो मूवमेंट होगा, लेकिन शुक्रोज जो है वो आपका ग्लूकोज और शुक्रोज आपके मूव जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शुक्रोज की बात करें तो ट्यूब ए में आपका 2 मोलर होगा और ट्यूब बी में आपका 1 मोल होगा, वहीं पर ग्लूकोज देखे तो यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो दोनों ही केस में कैसे होगा आपका B2A जो है वो मूवमेंट होगा। अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपका बी से ए की तरफ मूव करेगा और शुक्रोज जो है वो ए से बी की तरफ मूव करेगा। और अगर हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें आपका ऑस्मोसिस, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 2 मोल शुक्रोज था, यहाँ पर 1 मोल शुक्रोज है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन केवल और केवल यहाँ पे ग्लूकोज का कहा है, तो शुक्रोज को हम एज इट इज लिख देंगे और ग्लूकोज कितना होगा 0.5 मोल ग्लूकोज यहाँ होगा, 0.5 मोल ग्लूकोज यहाँ होगा, वाटर का तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं। फाइनल टोनिसिटी निकालेंगे तो इसका 3.5 मोल है, इसका 2.5 मोल है, तो ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पर हम लेस वाटर इसको मोर वाटर कह सकते हैं, तो ये आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो अब भी हमने सॉल्व करा है, अगेन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शुक्रोज मूव नहीं होगा, तो मैं आपसे फिर से एक चीज कह देती हूँ, ये क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया है, देखो इसमें परमिएबिलिटी बता रहे हैं कि वाटर की होगी, ग्लूकोज की होगी, बट नॉट शुक्रोज, ये एग्जामिनर के मन पे डिपेंड करता है,
कि वो क्या लिखना चाह रहा है, वो लिख देगा कि सुक्रोज को मूव करिए तो आपको सुक्रोज को मूव कराना है, वो लिख देगा कि ग्लूकोज को मूव कराना है तो आप ग्लूकोज को मूव करा दीजिए। वो मैंने किया क्या है कि क्वेश्चन ये वाला है जो अभी आपने सही किया, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसा नहीं कि हवा में आप मूव करा देंगे कि मन कर रहा है तो ग्लूकोज को मूव करा दीजिए, मन कर रहा है तो सुक्रोज को मूव करा दीजिए, जी नहीं। आपके क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि आपको किसको मूव कराना है और किसको नहीं मूव कराना है। जैसे इसमें लिखा है कि सुक्रोज का मूवमेंट नहीं होना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, सुक्रोज को एज इट इज रखना है, ए साइड पे दो रहेगा, बी साइड पे ए ही रहेगा, केवल ग्लूकोज को जो है आप मूवमेंट उसका डायरेक्शन बताएंगे। इसमें भी आपके दो क्वेश्चन बने हुए हैं, तो पहला तो आपने बता ही दिया था कि सॉल्यूशन जो है वो आइसोटॉनिक होगा। कैसे होगा, 2 + 1 = 3 molar, 1 + 2 = 3 molar, तो दोनों का ही आपका 3 molar आ रहा है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, आइसोटॉनिक होगा। एंड आफ्टर सिस्टम रीच टू द इक्विलिब्रियम, मतलब आफ्टर ऑस्मोसिस व्हाट चेंज आर ऑब्जर्व, कौन से चेंज होंगी। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा है कि जो आपकी मोरलिटी है सुक्रोज की एंड ग्लूकोज की आर इक्वल ऑन द बोथ साइड, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि वैसे भी उन्होंने लिखा है कि सुक्रोज को मूव नहीं करना है, तो इक्वल कैसे हो जाएगा, साइड ए पे दो ही रहेगा, साइड बी पे ए ही रहेगा, तो अनइक्वल हुआ, ये ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया। फिर इसमें ग्लूकोज इज हायर इन ए साइड देन बी साइड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ग्लूकोज को तो मूवमेंट कराना है, ग्लूकोज का मूवमेंट होगा तो आफ्टर ऑस्मोसिस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जब मूवमेंट नहीं होगा तब ये अनइक्वल रहेंगे, लेकिन मूवमेंट होना है, ग्लूकोज और वाटर को मूव कराना है तो ये इक्वल होंगे, तो ऑप्शन जो है वो अनइक्वल कह रहा है, तो ये गलत है। सी में वाटर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा इन साइड ए देन साइड बी, तो ऑब्वियसली बात है कि आइसोटोनिक है, तो फिर आपका क्या है, वाटर मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप ग्लूकोज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ग्लूकोज तो यहाँ पर मूव कर रहा है, तो लेवल तो हाई होगा ही क्योंकि यहाँ पर अभी दोनों इतने लेवल पे है, जब ग्लूकोज का 1 mole यहाँ पर हुआ तो ए साइड जो है वो आपकी कैसी होगी, हाई होगी। और द वॉटर लेवल इज अनचेंज्ड, ये वाला ऑप्शन जो है ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि वॉटर जो है वो मूव नहीं करेगा, तो ये शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ होते हैं क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है, तो मे भी यहाँ हो सकता है कि ऑप्शन में ए और बी दी हो क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं करे थे चूज, तो आप इसका आंसर आपका सी एंड डी जो है वो दोनों करेक्ट होंगे क्योंकि बिल्कुल वॉटर का लेवल जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यहाँ पर जो है वॉटर का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ये पूरे लेवल की बात कर रहे हैं, बाई चांस अगर इनका मतलब ये है कि ये पूरे सोल्यूशन लेवल की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन तो ए साइड में इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन ये इनने वॉटर लिख दिया है, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि शायद ये टाइपिंग एरर तो नहीं, अगर ये सोल्यूशन हुआ तो ऑब्वियसली सोल्यूशन का लेवल तो ए साइड में इंक्रीज होगा लेकिन वॉटर का मूवमेंट नहीं हो रहा, अगर खाली ये वॉटर की बात कर रहे हैं तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो ये भी फिर सही होना चाहिए।